डू यू सी, हमको यहाँ से वो चैलेंज हमें दिख रहा है दूर से, बट ऑन ग्राउंड पे क्या आपको लगता है कि एक अवेयरनेस की, नॉलेज की और एक शऊर की कमी है? देखिए, ये साजिश और ये मुसलमानों को इंजेक्शन दे के मारना, ये एक किस्म का बहुत बड़ा षड्यंत्र है और ये है वो है। जी मैं इन सब चीजों से इत्तेफाक नहीं करता। ये ऐसा हो रहा है कि किसी का बयान आप ऑडियो सुन ले, मतलब कहीं और का बयान, कोई विजुअल कुछ भी बनाकर डाल दे रहा है और उसको कोरिलेट कर रहा है कोरोना से। फिर मैं वही बताया आपको कि पता नहीं कहाँ, जैसे जर्नलिज्म में होता है अक्सर कि कुछ स्टोरीज टेबल पे लिखी जाती है, फील्ड पे नहीं जाया जाता है। वो सब एडिटर कुछ ना कुछ टाइम पास करने के लिए कभी बस कभार बस बस एडिटर बता देता है कि भाई अल्जीरिया में किसी खातून ने एक ही वक्त में 15 बच्चों को जन्म दिया। अब आप और मैं जाकर 15 बच्चों को जन्म दिया या नहीं दिया, ये हम चेक नहीं कर सकते। देखने का तो तो डाल ये इस देना। किस्म की खबरें होती हैं जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रही है। जी, तो साजिश है या पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जाना है, इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से सच्चाई है। हाँ, कुछ लोअर लेवल के स्टाफ मेंबर्स की आपके साथ एक तासुब वाला रवैया जरूर हो सकता है आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में, उससे जी इनकार नहीं किया जा सकता, वो होता है। बट साजिश है, मैं इसे नहीं, इसलिए कि इससे हर कोई अफेक्टेड हो रहा है। जी तो इसमें सबसे बड़ा एक जो जरूरत इस बात की है कि हम अवेयरनेस हमको बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। और माशाल्लाह यहाँ पर लोकल लेवल पर उलमाए कराम ने भी कुछ काम किया है, जी मसाजिद से ऐलान किया है, लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पूरा पूरा सपोर्ट करने के लिए कहा है। कई अपील्स हमने खुद अपने अखबार में पब्लिश किए है, उलमाए कराम की है, पॉलिटिकल लोगों की है। इवन हमारे एमपी इम्तियाज जलील साहब ग्राउंड पर गए हैं, कुछ और दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स भी सामने आए हैं जो ग्राउंड पे जाके उन्होंने लोगों से अपीलें की। असल में हो रहा यह है कि कंप्लेंट्स इतनी ज्यादा है और पॉजिटिव रेस्पॉन्स एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कम आ रहा है, जी इसकी वजह से एक साजिश नजर आ रहा है और एक बहुत बड़ा एक गेम प्लान नजर आ रहा है। सही है। जहां तक मैं लोकल लेवल की बात करूं, मैं इसे इनकार करता हूँ। खामियां हैं, लापरवाहियां हैं, लोकल स्टाफ की तरफ से ये हो सकती है, लेकिन मैं किसी साजिश से मैं इनकार करता हूँ।